बाग स्थित मंसूर अली पार्क में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। दो दिन से महिलाओं का प्रदर्शन धरना जारी है। महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार लोगों को गुमराह करके न सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर रही है बल्कि विभाजन की रेखा भी खींच रही है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। दिल्ली के शाहीन बाग के बाद अब प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में भी मुस्लिम महिलाओं ने आवाज बुलंद कर दी है। और अगर हम बात करें तो बीते दो दिनों से मुस्लिम महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो जमा हैं, और जमा इसलिए हैं क्योंकि एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बेतहाशा ठंड पड़ रही है और उसके बाद चाहे रात हो चाहे दिन हो तभी महिलाएं जो है वो यहाँ पर जमा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का हुजूम यहाँ उमड़ा है, और कई लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कई राजनीतिक दलों से भी हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऋचा सिंह भी यहाँ पर आ चुकी हैं, नेहा यादव भी आ चुकी हैं, और भी कई महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है किस लिए चल रहा है और क्या मांगे हैं आप लोग की? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं बिलोंग कर रहे। यहाँ जितने भी लोग हैं इंडियन हैं। यहाँ आप किसी से किसी का धर्म नहीं पूछ सकते हैं। हम यहाँ एज अ इंडियन इस प्रोटेस्ट को करने बैठे हैं क्योंकि ये एज अ इंडियन हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है ये एनआरसी एंड सीए, और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, जब तक ये एनआरसी लागू नहीं रोका नहीं जाएगा। सीए तो आपने फोर्सफुली लागू कर दिया ना, तो वो तो एक्ट बन चुका, लेकिन एनआरसी हम पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं होने देंगे क्योंकि असम का हमने हाल देख लिया है कि एनआरसी लागू होने के बाद वहां का क्या हाल हुआ है। एनआरसी लागू होने, एनआरसी एंड सीए जब कंबाइनली लागू हो रहा है तो वो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहा है। ये जातिवाद, धर्म निरपेक्षता को यहाँ की खत्म कर रहा। इंडिया अपनी अनेकता और में एकता के लिए ही जाना जाता है, और इसी का हम सब पुरजोर। जी आप बताइए कि आखिर कितना गलत है ये जो आप लोग की मांगे हैं? देखिए, हमारी मांग तो कुछ नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम कौन हैं। आपका दरवाजा एक दिन कोई आए आपका दरवाजा नॉक करे और आपसे कहे ये आपका घर है, इसका सबूत दीजिए, तो वही चीज हम पर लागू हो रही है। तो वी आर नॉट हियर फॉर एनी राइट। आप लोग रात दिन यहाँ पर हैं? हम लोग रात दिन जी, पे। क्या क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंडिया इज माई कंट्री। अब हमको यही प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, हम कैसे प्रूव करें कि इंडिया इज माई कंट्री। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आधार कार्ड का मतलब उसको लाया था इशू में, उसके बाद अब कह रहे हैं कि वही वैलिड नहीं है कि हम प्रूव कर सके कि इंडियन है। तो वो आधार कार्ड है किस लिए? केवल जियो की सिम खरीदने के लिए? या और वो जियो की सिम भी किस लिए है? बस मिस कॉल करने के लिए? आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये मांगे वापस नहीं होंगी? जी, हम लोग का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये एनआरसी और सीए का बिल वापस नहीं लेते। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इनकी मांग ये भी है कि ये जो एनआरसी है इसको वापस लिया जाए। हालांकि सीए अब एक्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ पर भारी संख्या महिलाएं हैं और सभी धर्मों की यहाँ पर महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जितनी यहाँ मुस्लिम महिलाएं हैं और उन्हीं का साथ देने के लिए अन्य महिलाएं भी अब आ चुकी हैं। ऐसे में प्रदर्शन लगातार जारी है, और जब तक प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक एनआरसी को वापस नहीं लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज।